हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिर अभी आज के दिन मतलब कि 9 जून को मेरी स्विमिंग का वो मतलब वैलिड अप टू डेट वो एक्सपायर हो चुका है। तो फिर आज मेरी स्विमिंग ख़त्म हो चुकी है और मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था कॉलमिन तालकेदार के स्विमिंग पूल के साथ, एकदम बढ़िया लगा वहाँ पर। जब मैं फर्स्ट डे गया था ना तो थोड़ा नर्वस हो रहा था कि कैसे होगा, डीप में ले जाएंगे 8 फीट में। मतलब कि जब मैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए गया था तो वहाँ पे मैंने एक बैनर देखा, दिस इज़ दी 8 फीट वाटर एंड साइड। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा अंदर, तो मैं डर गया था इसीलिए। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं नॉर्मली हो गया और फिर मैं वहाँ पे गया, मज़ा आई एकदम। मतलब कि जीतू सर, सैलिन सर, मोहित सर एंड सौरभ सर वर दी बेस्ट ट्रेनर इन माई लाइफ। This was a good experience that I have shared with the Colvin Talkeda swimming pool, and I would like to visit that swimming pool for learning the swimming, and that is the best pool, and the water was also clean and the hygienes were also following. Before going into the pool we have to just take a shower and then get inside it. कहीं जैसे ही मैंने आप लोग को बताया कि आज मैं लास्ट ईयर, तो फिर मैंने उसे पूरे तरीके से इन्जॉय किया वहाँ पे। मैंने 8 फिट वाटर में गया और साथ में उसे एकदम ये जो विथ वाला होता है उसे मैंने पार किया, और साथ में वहाँ पे कुछ सारे स्टैंड्स होते हैं जिसपे हमें कूदना पड़ता है। तो फिर हम लोग कूद गए और फिर उसके बाद हमें उसको पूरा पार करना पड़ता है। बहुत ही मज़ा आई मुझे, और मेरे पास जो वाटर पार्क के रिजॉर्ट के वो जो है ना पासिस, अब मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, स्विमिंग कर सकता हूँ और इन्जॉय कर सकता हूँ एकदम मज़े से। तो फिर गाइस, आज तो लास्ट डे था लेकिन मज़ा आ गई मेरे को। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किसी और स्विमिंग पूल में नहीं किया, और नेक्स्ट ईयर भी मैं इसे करूँगा और यही स्विमिंग पूल में जाऊँगा, क्योंकि इसके साथ जो बिहेवियर स्टाफ का और साथ में जो हेड है वहाँ के परवीन शंकर गांधी सर, वो भी बहुत ही अच्छे हैं, और मतलब कि ही इज़ काइंड एंड ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन पर्सन। ही हैज़ नेवर शाउटेड ऑन मी, एक्चुअली आई एम टेलिंग द रियल थिंग बिकॉज आई हैव लर्नड इट मेनली बाय 5 to 6 days इनसाइड। I was floating inside the water and just I was also doing the hand exercise and all, so my experience was very good. तो फिर गाइस, आज जो मैंने एंजॉय किया उसके मैं खूब सारे क्लिप आपको अभी मैं एकदम दिखाऊंगा, बहुत मजा आई। लेकिन I'm 도망가 버렸지.